तो भाई अभी चल रही है इन गाड़ियों में थोड़ी सी कंफ्यूजन, अल्टो में, सिलेरियो में और वैगनार में। भाई को पसंद आ रही है ऑल्टो एंड एस्प्रेसो, न्यू बेबी नाउ सून, नई गाड़ी लेके आएंगे भाई। इन तीनों में से कोई एक गाड़ी होने वाली है। क्या कह रहा है? खूब सारी वीडियोस हम डालेंगे भाई उस गाड़ी, पूरा एक एक पुर्जा चेक करेंगे। फिलहाल में भाई नीचे आया था इसमें बैठने के लिए, अभी ऊपर जाकर थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो ही जाती है भाई जो भी गाड़ी लेते हैं ना। चलो ऊपर ही चलते हैं फिर। तो भाई भाई से चेक कराते हैं इस भाई को कौन सी गाड़ी पसंद आई। कंफर्ट में तो यार बंद कर ली, बोल रहे हो कैसे अंदर बैठा था, कैसी जमी भाई? अल्टो से अच्छा कंफर्ट है इसका। और वैगनार तो भाई वैगनार का देखा नहीं अभी। चल वैगनार में बैठी अभी तो साथ साथ मतलब पूरा देख ले एकदम ढंग से, फिर फाइनल कर देंगे जोन सी भी लेनी है। साइड कर लिया है कंफ्यूजन कलर कौन सा है? अरे ठीक है अच्छा इतनी उल्टी है गाड़ी की यार, ये ले जाकर कलर मिलाया। कौन सा वाले के ले के आए हो? ये है वैगनार की भाई, यहाँ तक गायब ही हो रहे हैं तो ये हाँ यहाँ पे वैगनार की है, ये भी ठीक है या ग्रे है? बंडी कह रहा हूँ यो है, मैं कह रहा हूँ बंडी भाई यो है, यो है यो लियो यार, टीवी यार तो भी यार के बात कर रहा है यार, ग्रे है यो ब्राउन है, ग्रे लियो है यार। अच्छा हाँ भाई ये ब्राउन अलग आवे इसका, देखो ब्राउन अलग है अलमारी को अपना ब्राउन है तो है। हाँ ग्रे है भाई, ग्रे है ये बंटी नु कर रही हो मक यार, मैं तो ग्रे बुक करके गया था। तो भाई ये गाड़ी डन कर रखी है हमने, ये तो बता दी होगी ना तुम सारी चीज़ें, डीआई भी बता दी अपनी तरफ से तो मैंने क्या होती है बड़ी स्कूल डीआई, यो थोड़ा भी बता सका टायर को बता दे कहाँ है यो थोड़ा के टायर को ले वो मंथ लिखा रहा है इसमें यो लिख रहा है। तो फाइनली भाई हमने ये डिसाइड कर रखी है गाड़ी। अमित भाई, अमित भाई सलेरी छोड़ के क्यों ली तूने ये? सलेरी छोड़ जब कन्फ्यूजन थी क्योंकि जब मैं उसमें बैठ रहा था उसका मुझे है ना जैसे डिस्टेंस इतने दूर पे दिख रहा था हटे, और इसका मुझे इसके पास पे मतलब वो दूर विजन कर रही थी ये पास इसके सीट ऊंची है। अच्छा अकॉर्डिंग टू माय हाइट ना भाई सही में ही है ये गाड़ी की सीट हाइट ऊंची, और इसमें बैठने के बाद ना ज़्यादा ज़्यादा यूँ आते कमांडिंग पोजिशन, बिल्कुल आराम से कहीं से निकाल सकते हैं बैठ सकते हैं। और भाई जैसे ज़्यादा बड़े बंदे बैठते हैं ना तो पीछे के लिए अच्छी तगड़ी खुली खुली सी है, तो ये सारे रीज़न थे भाई इस गाड़ी को कंसिडर करने के लिए। और भाई ये बता LXI क्यों ली, VXI क्यों नहीं ली? LXI क्यों नहीं, मुझे सिर्फ है ना VXI में वो बटन वाला डैक था मुझे वो चाहिए नहीं था, और एक कैमरा पीछे का। अभी अच्छा। इसमें मैं टच वाला डैक लगवाऊंगा और उसमें हाँ। कैमरा भी अटैच होगा, और जैसे दिल्ली बिल्ली जाना होता है तो उसमें गूगल मैप वैप सब चल जाए, डैक चेंज करवाना पड़ता ऊपर हाँ। तो के लिए कैमरे के लिए यहाँ लगवाना पड़ता, वो बेकार लगता हाँ। वो बेकार से लगता से। तो भाई इस वजह से हमने LXI ली है VXI को छोड़ के। और भाई ये बता CNG क्यों नहीं ली? CNG पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल में चलेंगे गुड़गांव से आने जाना भाई, ये है CNG का बराबर सही हो रहा है, और फिर CNG की लाइन में लगो झंझट करो। मैं सुबह नौ बजे को ऑफिस रहा हूँ, 9:10 पे यहाँ से निकलूँ अगर लाइन में लगा आधे घंटे वहाँ लग जाए। और बिना CNG के बाद भाई वैगनार में देखो इतना तगड़ा सा, वो भाई बहुत बड़ा बूट स्पेस है इसका, पता है तुमने स्विफ्ट से भी ज़्यादा बूट स्पेस है इसमें, मुझे क्या कर रहे हैं ये इसके बूट स्पेस बोलते हैं। हाँ स्विफ्ट से भी ज़्यादा है भाई इस गाड़ी के अंदर, तगड़ा से दे रखा है। और क्या था भाई और बेस्ट पेस एवरेज था गाड़ी की अच्छी सब कुछ। और ये भाई PDI करने लग रहा है तब से, PDI में गाड़ी की स्क्रैच देखो, टायर देखो है कि ना, स्टूल देखो है, टायर की डेट देखो, कहीं भी देख ले। जैसे भाई टाटा कोई बुराई तो नहीं है, बट कई बार क्या होता है उनकी फिट फिनिश में थोड़ी दिक्कत रहती है, बट ये चीज़ ना मारुति में दिक्कत नहीं रहती है। और मारुति में यहाँ पे ऑटो इंजन ऑन ऑफ का भी जो है स्विच मिलने लग गया अब इसके अंदर। क्या चीज़ कल एक वीडियो देख रहे हो तो पापा से दिखाई थी मारुति की डिजायर ने टाटा की नेक्सॉन में टक्कर मारी, नेक्सॉन को कुछ भी हुआ मारुति की आगे बिगड़ गई आगे से सच है सच्चाई है। अरे वो क्यों ली? क्योंकि फिर देखो पेट्रोल तो मेरे को पेट्रोल की एफिशिएंसी भाई मैं बताऊं, देख एक तो मेंटेनेंस कम है मारुति का, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है, सर्विस कहीं भी करवा ले और कभी बेच ले और कभी इसमें ले ले के ना। वैसे मैं बता रहा हूँ जैसे इनने कभी बेचेंगे ना तो तगड़ी बिकेगी खड़ी कर देंगे। ठीक है भाई विंटेज बना देंगे इस गाड़ी को,
यहाँ लगवाएंगे ना कैमरा, ताऊ इसमें लगेगा लगे ना भाई अमित यहाँ मत लगो, ये एक यहाँ लगे छुप के वो लगो, ये वो ज्यादा अच्छा लगेगा। महंगी पहली बार से कह रहा हूँ, पी लो पी लो, 5.5 लाख रुपए की 5 लाख की कॉफी पीते हो बस और ना चाहिए आज पूछ रहे हैं मैं पानी पीता हूँ। ये 5 लाख का कुछ हिस्से में भी है। चिन्नू भी आ चुके हैं भाई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, आ जाओ आ जाओ चिन्नू आ जा आ जा आ जाने लग रही है। कहाँ जा रहे चिन्नू? कैसी है चिन्नू? ये चिन्नू कैसी है? ये कैसी है? वो कैसी बता दे। अब ये यूं ही बाकी घूमेगी। आ जा आ जाओ आ जाओ चिन्नू, इसको पूरा मजे आ गए यहाँ पे आने वाला। आ जा आ जा। फीडबैक फॉर्म भाई यूं ही भरते रहे, बिना पड़ी एक्सीडेंट मारते सब पे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी गाड़ी जा रही है यहाँ से, दूसरी की गाड़ी है, चौथी जा रही है, कौन सी जा रही है, तीस टू, हाँ फिर चल गई शिफ्ट गई बीमारी है, चौथी गाड़ी जा रही है भाई। तो ये है भाई गाड़ी कागज, कितने पड़ी हमने? 5,55,000। ये 5 लाख और बाकी ये गाड़ी की कीमत, ये इंश्योरेंस की कीमत 20,000 इंश्योरेंस के, और बाकी की एक जो TRC रहेगी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, 30,000 समथिंग कुछ किया तो 5 लाख मतलब RC जो है RC। ठीक है भाई, ये सारे जो है इसमें कीमत वो मिल जाएगी। जाओ भाई जाओ 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 जाओ, फाइनली टाइम ऑफ डिलीवरी। अरे अमित जान भाई, अमित जान, अमित जान चला भाई, और भाई भाई को गाड़ी लेने हो किसी को तो कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे भाई के, जल्दी और सही रेट पे, बिल्कुल सेटिस्फाई है भाई। हाँ ले तेरा फोन, चलो भाई थैंक यू गाइस, इस भाई ने मेरे को गाड़ी दिलाई है, धन्यवाद। मैं अपने घर ले जाऊं। फाइट ड्राइव भाई अंकित, और भाई ताऊ ने लिए गाड़ी है। चल यार नींबू उम्बू ना रखा, अब इसका फुल वीडियो जाएंगी गाइस, टक ऑफ वार वगैरह सब। नहीं नहीं गाड़ी की टक ऑफ वार करेंगे अभी जाके। अरे यार रोज निकालना पूरी वो कर रहे तू भी, आज पूरी एक्टिंग कर रहे। अरे दे दे भाई दे, मैं उस दिन जिस दिन चाबी लेकर गया था ना उस दिन मैं तेरे को बोल रहा था। अच्छा कलर बढ़िया है भाई, हमारा अमित का फोन ही बजने बंद ना हो रहा है।